नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मासूम देविका का सकुशल लाने में असफल रही पुलिस, डेढ़ महीने बाद घर के पीछे कुएं में मिली लाश। भैरव नगर से 16 जनवरी से गायब डेढ़ साल की मासूम देविका का शव घर के पीछे स्थित कुएं में मिला। पुलिस बच्ची का पता बताने वाले को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ महीने बाद पुलिस को असफलता हाथ लगी। मासूम अपने परिजनों के साथ घर में सो रही थी। सुबह जब घर के लोग उठे तब देविका उन्हें बिस्तर पर नहीं मिली। मासूम के घर में न मिलने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कहीं असफलता नहीं मिली तब इस मामले की शिकायत तिलवारा थाने में दर्ज कराई गई। परिजनों के मुताबिक उनके घर के पीछे की दीवार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान टूट गई थी, जिस पर ईंट रख कर बंद कर दिया गया था, लेकिन वह दीवार टूटी हुई पाई गई। सामने का गेट भी खुला मिला था, जिससे ऐसा लगता था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उस टूटी दीवार से अंदर आया और बिस्तर पर सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था। लेकिन मासूम देविका को सकुशल लाने में असफल रही पुलिस, डेढ़ महीने बाद घर के पीछे कुएं में मिली लाश। जबलपुर सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। बीत जाने के बाद आज बच्ची की लाश कुएं से मिली है, क्या मानते हैं इसमें? हम पुलिस की निष्क्रियता मानते हैं। निरंतर हमने 16 जनवरी के बाद से ही अनेक बार थाने का घेराव किया, तिलवारी थाने का। अनेक बार एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को हमने ज्ञापन सौंपा और हमने मांग की कि एक विस्तृत और शानदार एक एसआईटी बना दी जाए, ताकि बच्ची में ढूंढने में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इनाम की राशि भी हमने 10 से 25,000 बढ़ाने के लिए उनसे निवेदन किया और वो इनाम की राशि बढ़ा दी जाती है। उसके बावजूद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को वहाँ के कुएं के आसपास जो बच्चे रहते हैं उन्होंने इतला दी कि यहाँ पर कोई बच्चे की लाश हो सकती है, ऐसा दिख रहे हैं पैर। तब जाके पुलिस ने उस लाश को बरामद की और लाश में भी रस्सी से पत्थर बांधा हुआ था गले में, इस कारण से वो डूबी हुई थी और काफ़ी हद तक लाश गल गई है। आज हमारी समाज में एक वज्रपात हुआ है। पिछले 41-42 दिनों से हम इसी उम्मीद में थे कि बच्ची आज निकल मिलेगी और पुलिस पे भी हम बिलीव कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस की कार्यप्रणाली आपके सामने है। आज भी पुलिस के हाथ खाली थे और हमको आज लाश ही हाथ मिली है। पूरी वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है और आज जाके बच्ची मिली है जी। आप बताना चाहेंगे कैसे? हाँ, करीब 16-17 जनवरी की रात में देविका की अपने घर से उसके निकल जाने की सूचना आई थी हमारे पास कि माँ बाप बीच में सो रही थी। उसके बाद वहाँ से कोई उठा ले गया है, इस पर से अपने गुमसान और अपराध को पंजीवत करके बेचने लगातार कर रहे थे। आज सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी वहाँ, एक डेड बॉडी बच्ची पड़ी हुई है भैरव नगर कुआ में पीछे तरफ, उनके घर से करीब आधा किलोमीटर पीछे। तो वहाँ जाकर उसको दिखवाया, निकलवाया तो वही बच्ची थी जो 16-17 जनवरी की रात को गई थी। उसके कपड़ा बंद, उसकी डेड बॉडी में पत्थर से बांध कर रस्सी से बांध कर डाली गई थी। निश्चित रूप से उसकी हत्या कर फैली गई। क्या लग रहा है अभी, किस कुछ सुराग मिल पाए इसमें? अब हम लोग पुलिस विवेचना में लगी हुई है और पोस्टमार्टम करा दिया है उसका। पोस्टमार्टम के बाद उसकी जो पीएम रिपोर्ट आती है उसके आधार पर वो विवेचना की जाएगी। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।